വി ബിജു രാഷ്ട്രീയ കിസാൻ മഹാസംഘ നാഷണൽ കോർഡിനേറ്റർ കേരള സൈ अभी देखिए इतने झूठ बोलना प्रधानमंत्री भारत में इसके पहले नहीं हुआ। इतना हर दिन झूठ बोलता है ऐसा प्रधानमंत्री है। उन्होंने बोलता है हम को मिलने के लिए तैयार है, कुछ लोग इसमें मिलने के लिए व्यवस्था नहीं करता है, किसानों का कुछ नहीं था ऐसा बोलता है। हम मिलने के लिए तैयार है। उन्होंने अमनमेंट के बारे में बोला, हम अमन के लिए तैयार नहीं है। पूरा ये विड्रॉ करने के लिए हमारा सुझाव क्या क्लियर है, ये विड्रॉ करने के लिए। क्या आप देखिए एक सेंट्रल एक्ट आए तो क्या प्रॉब्लम है? आईटीसी वर्ड्स एपीएमसी बिहार का केस देखो सुप्रीम कोर्ट में। पहले एपीएमसी बिहार का एपीएमसी बोर्ड आईटीसी का को पैसा पूछा, उसके बारे में आईटीसी ने केस डाला। ये सेंट्रल एक्ट आए तो पूरा हमारा किसानों को बर्बाद हो जाएगा। इसी कारण से सेंट्रल एक्ट को विरोध करता है। एपीएमसी सारा स्टेट लॉ स्टेट में बनाया, ये सारा प्रधानमंत्री जी पे ये दोनों झूठ बोलते हैं। अब देखिए भारत में सबसे अच्छा एपीएमसी एक्ट मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश का सेक्शन 36 देखिए, उससे मैं इंग्लिश में बताएगा उतना ये उसमें सेक्शन बोलता है, ये एमएसपी के नीचे ना जाने का ऑक्शन, ऐसा इसमें सेक्शन 36 बोला। उसमें अश्योरेंस है एमएसपी के नीचे प्राइस ना जाने का, इसमें है, ये सेंट्रल एक्ट में है, अभी लाया सेंट्रल एक्ट में है, कुछ नहीं है। उसमें ऑक्शन के बारे में सेक्शन 36 में बोला, मध्य प्रदेश के मंडी एक्ट में ये ऑक्शन शुरू करने का, एमएसपी का कितना प्राइस है उससे शुरू करने का, उससे ऊपर जाने का, उसमें नीचे ना बोलने का। ये एपीएमसी का मध्य प्रदेश का एक्ट में ये हमारा एमएसपी अश्योरेंस है, इसमें नहीं है। ये लोग बोलता है, प्राइम मिनिस्टर बोलता है ये अच्छा है, ये भी झूठ है। अब देखिए और देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक्ट के बारे में ये बोल रहे हैं सेक्शन 37 ए मध्य प्रदेश का मंडी एक्ट देखिए, उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रोविजन है। ये लोग बोलता है प्रोविजन नहीं है, अभी भारत में 37 ए में प्रोविजन है। आप देखिए ये उसमें 37 ए का मध्य प्रदेश का मंडी एक्ट में प्रोविजन प्रो फार्मर है, अभी बनाया ये प्रो कॉरपोरेट है। ये लोग बोलता है ये इसमें प्रोविजन नहीं है ऐसा बोलकर झूठ बोलता है। प्राइम मिनिस्टर भी कृषि मंत्री भी झूठ बोलता है। उन्होंने नया नया अनाउंसमेंट करता है हम किसानों के लिए, आज भी प्राइम मिनिस्टर का ये प्रोग्राम में अनाउंस किया, पहले राजा का अनाउंसमेंट करता है ऐसा अनाउंस करता है कि 2 महीने में 2000 देने के लिए। हम सारा किसान संगठन निश्चय किया ये 2000 देता है, उस पैसे से पैसा इकट्ठा कर ये किसान विरोधी मोदी को ऊपर लड़ाई करने के लिए ये पैसा हम इकट्ठा करता है। ये पैसे से हम और कोई काम हम नहीं करेगा। सर अपना नाम और बताइए आप। मेरा नाम परमजीत सिंह है, जय किसान आंदोलन हरियाणा से हूँ, जिसका नेतृत्व योगेंद्र यादव करते हैं। तो जो आज प्रधानमंत्री ने लंबी चौड़ी बातचीत की है किसानों से, उस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए चाहे वो पत्रों का माध्यम हो, चाहे वो मीटिंग्स के जो हमारी 5-6 मीटिंग्स हुई हैं अमित शाह से हुई हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री जी किसानों से बात करना दिखना चाहते हैं, असल में वो बात नहीं करना चाहते हैं। बार बार बहाने बनाए जा रहे हैं, आज भी कह रहे हैं किसानों को कोई बहका रहा है। किसानों को कौन बहका सकता है? आज 3 डिग्री टेम्परेचर में 1 महीने से 50 से ज़्यादा लोग हमारे शहीद हो गए हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारी माताएं, हमारी बहनें टेंट लगाकर दिल्ली के द्वार पर खड़े हैं और प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री से मिलकर हम अपनी बात करना चाहते हैं। पुलिस के माध्यम से हमें रोका गया है, हम यहाँ बात करने के लिए आए हैं, लेकिन हमसे बात करने की बजाय सिर्फ चिट्ठियों का एक खेल जारी हो रहा है। प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ आंदोलन को तोड़ने का, गुमराह करने का, बहकाने का और थकाने का काम कर रहे हैं। देखिए एपीएमसी में बिल्कुल सरासर झूठ और निराधार बातें कही जा रही हैं। हम भी ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि एपीएमसी अभी 1-2 महीने में ख़त्म नहीं हो रही। आज जहाँ तक मैंने सुना है प्रधानमंत्री ने कहा है कि 6 महीने हो गए हैं, देखिए अभी मंडियाँ बनी हुई हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब एपीएमसी मंडियाँ बाहर दूसरी मंडियाँ बन जाएंगी, प्राइवेट मंडियाँ बन जाएंगी, तो उसको ख़त्म होने में 1-2 साल लगेगा। शुरू में तो किसान को उसका फ़ायदा दिख रहा है 6 महीने साल में, लेकिन जब
सर्वाइव करना, जब आड़त सिस्टम हमारा सर्वाइव करना मंडियों में ख़त्म हो जाएगा, एपीएमसी मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, तब ये जो प्राइवेट मंडियां हैं अदानी और अंबानी की, तब अपना असली रंग दिखाएंगे। तब फसल के दाम जो 1850 एमएसपी है, फिर उसको 1200 1300 1400 पे खरीदने की बातें शुरू होंगी। फिर बात होगी कि आपके दाना में नमी है, आपका दाना पतला है, इस तरह की हमारा डर है। हम चाहते हैं कि सरकार इस डर को हमारे को दूर करे, लेकिन सरकार इस तरफ तो आ ही नहीं रही है। सरकार प्राइवेट मंडियां लाना चाहती है, 4% उस पर टैक्स लगाने की बात हो रही है, एपीएमसी जो मंडियां उस पर 4% टैक्स लगेगा और प्राइवेट मंडियों पर नहीं होगा। किसी भी हमारे डर को सरकार संबोधित नहीं कर रही है, सिर्फ बहकाने और थकाने का काम कर रही है। मेरा नाम दीप खत्री है, शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड का मैं अध्यक्ष हूं और मैं 26 तारीख से यहाँ सेवा कर रहा हूँ लगातार, और किसान भी हूँ, दिल्ली का किसान भी हूँ, और दिल्ली का किसान होने के नाते मेरा भी यही दर्द है जो देश के किसान का दर्द है। प्रतिक्रिया क्या दे जी, समस्या क्या हो रही है कि केंद्र सरकार है ना, जो सिर्फ बातों का एक ढकोसला बना रही है कि हम बात कर रहे हैं, उस आंदोलन को डिले करना चाह रही है, लंबा खींचना चाह रही है, और किसान इस आंदोलन से है जो जीत प्राप्त करना चाह रहे हैं, उनको अपना केंद्र सरकार को ये लग रहा है कि ये लोग थके हैं, जो जैसे एक महीना होगा ये चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक तरफ तो किसानों को पत्र भेजा जा रहा है कि आप आ जाइए, आप बात कीजिए, दूसरी बात स्थान नहीं बताया जा रहा है, टाइम नहीं बताया जा रहा है, ये नहीं बताया जा रहा है कि हम आपकी है जो आपकी जो शंकाएं हैं उनका निराकरण कैसे करेंगे। प्रधानमंत्री कह रहे गुमराह किया जा रहा है, गुमराह कौन कर सकता है जी, देश के किसान को कोई गुमराह कर ही नहीं सकता है। ऐसी बात नहीं है कि ये अनपढ़ किसान है, ये पढ़े लिखे किसान है, पीएचडी वाले किसान है, ये वो जमाना गया जो एक दूसरे को कोई बहका लेता था, किसान को कोई ऐसा नहीं है जो बहका लेगा, और किसान बड़ा सक्षम है इस मामले में, समझदार है, तभी तो दिल्ली में डटा हुआ है बहकाने वाले। अब रमेश भी दूड़ी जी एक तरफ तो हमें गालियां बक रहे हैं, हमें पाकिस्तानी, जापानी, चाइनीज, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, मैं आपको शब्द भी नहीं बता सकता, इतने गंदे शब्द यूज कर रहे हैं किसानों के बारे में, और एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम बात करेंगे, तो बीजेपी के आईटी सेल, बीजेपी के नेता किसान आंदोलन को बदनाम करने में लगे हुए हैं। वो एक तरफ तो हमें है जो कहीं लेफ्ट से, कहीं राइट से, कहीं माओवाद से, कहीं पाकिस्तान से, कहीं चाइना से जोड़ रहे हैं, और हमें ही गाली बक रहे हैं, और हमें भी ये भी कह रहे हैं कि आओ हम बात करेंगे, तो हमें बिल्कुल, हम भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी में, यहाँ 6 महीने लगे, 6 साल लगे, हम भी यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। और एपीएमसी का जो आपने बताया, पूछा था आपने, बहुत अच्छा सवाल पूछा था, एपीएमसी ख़त्म नहीं हो रही है, मैं दिल्ली का किसान हूँ, 6 साल हो गए दिल्ली में है जो एपीएमसी की खरीद नहीं हो रही है, और एपीएमसी की खरीद है जो कौन करता है, दो ही कंपनियां हैं, नेफेड है और ये अपना एफसीआई है, दो कंपनियां लेती हैं। अब 6 साल से दिल्ली की नरला की मंडी में, जहां एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, वहां पे फसल को खरीदा नहीं जा रहा है। अब ये दिल कह रहे हैं कि देश का किसान कहीं पे भी जा सकता है, भाई बिहार से आके नरला तो बेचने वाला रहा, नरला में तो या तो हरियाणा वाले बेच, अब हम हरियाणा बेचने जा रहे हैं, ये भाई हैं 20 एकड़ के जमींदार हैं, अरेवली गांव से हैं, ये अपनी जमीन जो उपज है उसको है जो कभी खरकोदा बेच के आते थे, अब की बार है जो बीजेपी सरकार ने वहाँ पे भी ये लगा दिया कि हम अपने स्टेट का ही किसान होगा ना, तो उसकी फसल लेंगे। एक तरफ तो आप कह रहे हो कहीं पे भी बेच लीजिए, एक दिल्ली के किसान को आप हरियाणा में नहीं खरीद रहे हो, पंजाब के किसान की हरियाणा में उपज नहीं खरीदी जा रही है, तो ये सब ये मोदी और अडानी के लिए कानून बने हैं, किसानों के लिए नहीं बने हैं, और हम इसकी है जो बहुत कड़ी निंदा तो क्या करेंगे, निंदा तो हम नहीं कर सकते, हम तो इन तीनों कानूनों को जब तक सरकार वापस नहीं लेगी हम यहाँ पे डेरा डाल के बैठे हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे बीजेपी के आईटी सेल या बीजेपी के नेता हमें कितनी गाली बके हम यहाँ डटे रहेंगे। प्रधान राष्ट्रीय किसान संगठन हरियाणा, जसवीर जी प्रधानमंत्री ने किसानों को संबोधित किया है, किसानों के सामने अपनी बात रखी है कि एपीएमसी खत्म नहीं होगी, किसान आंदोलन को बरगलाया जा रहा है, यहाँ पर 200 लोग आकर अपनी मांग कर रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया देते हैं? ये दो बातें तो प्रधानमंत्री ने आज बोली होंगी, एक बात पहले इससे पहले भी बोलता है कि किसानों ने अड़ियल रवैया अपनाया है, हम लेटर भेजते हैं, किसान मानते नहीं हैं, वो सिर्फ प्रेस से बचने के लिए, लोगों की बात से बचने के लिए। एक भी किसान का बेटा प्रधानमंत्री से बात करने तक नहीं गया, और अगर प्रधानमंत्री गुजरात में जाके बात कर सकता है, हम तो बॉर्डर पे बैठे हैं, 30 किलोमीटर उसकी कोठी से दूर बैठे हैं, ज़्यादा नहीं आ जाए ना, करे बात करता क्यों नहीं, बात करने की हिम्मत तो 5 तारीख को 9 तारीख को उसने छोड़ दी थी, जिस दिन गृह मंत्री से मीटिंग हुई है,
उसी दिन वो किसी की आंख में आंख पा के नहीं देख सकया, बात कर ही नहीं सकया। तो उसके बाद फिर अब सेक्रेटरियों से चिट्ठियां निकलवा रहा है, कभी बयान दे रहा है। कोई किसानों को गुमराह नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। प्रधानमंत्री को गुमराह कर रहा है अडानी और अंबानी। वो इस बात को समझ जाए, देश का सत्यानाश ना करे। सारा देश बेच चुका है, अब ये किसानी बिकने नहीं देगा। किसान का बेटा बैठा है बॉर्डर पे, और बॉर्डर पे कितने दिन बैठेगा? एक महीना एक दिन। हम घर से चलो को गए 24 तारीख को चले थे, आज 25 हो गए ना, एक महीने से ऊपर हो गया एक दिन। ये प्रधानमंत्री सोच ले, अब हमारा सब्र का बांध अगर टूट गया तो सीधे नौजवान संसद तक जाएंगे। हम मांग और नहीं करते, यही मांग करते हैं, तीनों काले कानून वापस ले। और कोई मांग मांगने वाला नहीं, ना कोई गुमराह करने वाला है किसान को। चबर रानिया सरसा जी, प्रधानमंत्री ने किसान संबोधित किया है, क्या जो प्रतिक्रिया दी है, कितने आप संतुष्ट किसानों? प्रधानमंत्री जी गुजरात से, मध्य प्रदेश से बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी यहाँ के हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, इन किसानों से बात क्यों नहीं करते? उनको ये पता होना चाहिए भी किसान आज इतनी सर्दी की ठंड में छोटे बच्चे से लेकर 80-90 साल के बुजुर्ग तक बैठे हुए हैं, ट्रैलियों में नीचे सड़क पे लंबे पड़े हुए हैं, क्या वो संतुष्ट होते तो यही हाल अपना कराते? यहाँ से हमारे बुजुर्ग नौजवान कितने शहीद हो चुके हैं, उनको ये दिख नहीं रहा भाई किसान संतुष्ट है? उनको ये दिख नहीं रहा, सिर्फ तो सिर्फ उनको अडानी बानी दिख रहे हैं। और ये तो हमें लगता है अंग्रेजों का ही बीच में दलाल पड़ गया, इसने अपने आप को देश का, हिंदुस्तान का, भारत का प्रधानमंत्री के होने के नाते हम उनसे हाथ जोड़ के बेनती करते हैं कि देश को बचा लो, देश किसानी के सिर पे देश चल रहा है। ये अमेरिका, कनेडा, ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं है, ये किसानी के ऊपर निर्भर है देश, देश को बचाओ। हम उनका बहुत धन्यवाद करेंगे, किसानों से सीधी बात करें और बात को सिरे लगाएं।